आज मैं आपको बताऊंगा वोल्ट मीटर के बारे में कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर की मदद से हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर के तीन टर्मिनल्स हैं, एक हमारे पास ब्लैक टर्मिनल है और दो हमारे पास रेड टर्मिनल हैं। ब्लैक टर्मिनल हमारा कॉमन के लिए यूज़ होता है और ये हमारा एक तरह का कैथोड है। और हमारे पास यहाँ पर दो रेड टर्मिनल्स हैं, एक पर लिखा हुआ है 3 वोल्ट और दूसरे पर लिखा हुआ है 15 वोल्ट। अगर आपको 3 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करने हैं तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ये वाला टर्मिनल, और अगर आपको 15 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करने हैं तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ये टर्मिनल। वोल्ट मीटर का ये स्केल है, ये हमारा एक तरह का एनालॉग वोल्ट मीटर है। तो आप देख सकते हो निडिल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है 0 वोल्ट पे। अगर हम ऊपर वाले स्केल की बात करें तो ये जा रहा है 15 वोल्ट तक, और अगर हम नीचे वाले स्केल की बात करें तो ये जा रहा है हमारा 3 वोल्ट तक। और 0 और 5 का जो मिड पॉइंट होगा, यानी मिड पॉइंट पर अगर फॉर एग्जांपल ये निडिल आ जाती है तो रीडिंग होगी 2.5। इसी तरह से 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 7.5। इससे हमें एक बात पता चली कि 0 और 5 के दरमियान टोटल 10 लाइन्स हैं। इसका मतलब एक लाइन की जो रीडिंग होगी वो होगी 0.5।